मेरा आग्रह आपसे कि आप चर्चा करें, संवाद करें, ये तख्तियां लेकर सदन में मर्यादित आचरण नहीं है। माननीय सदस्यगण, तख्तियां लेकर सदन में नहीं आना है। फिर माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं सर, माननीय सदस्यों को फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूं माननीय सदस्यों को, ये सदन आपका है और इस सदन को चलाने के लिए आपने कुछ व्यवस्थाएं बनाई है, कुछ नियम बनाए, कुछ परंपराएं बनाई है और ये देश का सबसे सर्वोच्च सदन है। मेरा आग्रह आपसे कि आप चर्चा करें, संवाद करें, ये तख्तियां लेकर सदन में मर्यादित आचरण नहीं है। और हम सबने भी तय किया था, सामूहिक रूप से निर्णय हुआ था कि हम तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, हर विषय पर, हर महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपको चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। ये सदन आपका है, सदन की मर्यादा बनाना है हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और सदन हमेशा नियमों, परपायों, परंपरा, प्रपाटियों से चलता है। मैं आग्रह करना चाहता हूं आपसे कि आप अपने अपने आसन पर विराजे, प्रश्नकाल को चलने दें। माननीय सदस्यगण, तख्तियां लेकर सदन में नहीं आना है। आप सबका निर्णय है, हर विषय पर चर्चा कराएंगे लेकिन तख्तियां लेकर सदन नहीं चलेगा। मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता लेकिन सदन नियमों से चलेगा, प्रक्रिया से। ये क्या उचित है सदन में कि आसन तक नजदीक आप आ जाए, आसन के ऊपर तक चल जाए? ये आपके परंपरा है, आपकी प्रपाटियां है, इस तरीके से सदन चलाना चाहते हैं आप? ये मर्यादा है आपकी? माननीय सदस्यगण, मर्यादा बने रखें, विचारधारा के आधार पर अपनी बात कहें। असहमति व्यक्त करना, आलोचना करना सबका अधिकार है लेकिन सदन नियमों, प्रक्रियाओं, व्यवस्था से चलता है। आप ये मर्यादा करना चाहते हैं? पूरा देश आपकी इन विहार को देख रहा है, ये देश का सबसे स्वच्छ लोकतांत्रिक संस्था है। माननीय सदस्यों, मैं आग्रह करता हूं सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आपने जिस तरीके से सदन की मर्यादाओं को तोड़ा है ये उचित नहीं है। मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता लेकिन सदन व्यवस्थाओं से चलेगा, नियमों से चलेगा, परंपराओं से चलेगा। फिर माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं सर, माननीय सदस्यों को फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूं माननीय सदस्यों को। अरे हम तो फकीर आदमी, हिंदुस्तानी इस्लाम, मुझे बहुत दुख होता है। खत्म, बाय बाय। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री।